हाय नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल स्टे परफेक्टली इम्परफेक्ट। मैं अंशिका आज वापस आ गई हूँ अपनी सीरीज के थर्ड वीडियो के साथ, और आज का वीडियो जो है वो मेरे दिल के बहुत खास है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं इयररिंग्स के डिफरेंट कैटेगरी के बारे में बात करने वाली हूँ। और भाई मेरा इयररिंग कलेक्शन कुछ बहुत ही ज़्यादा है, और अगर आपने मेरा पहला वीडियो देखा होगा तो मैंने आपको दिखाया था कि मैं अपने इयररिंग्स को कैसे ऑर्गेनाइज करती हूँ, उसी से मैं आपको पता लग गया होगा कि मेरे पास कितने इयररिंग्स हैं। तो मैं बस वही बताने वाली हूँ कि मैंने इयररिंग्स को कुछ कैटेगरीज में बांटा है, और उसमें से भी 6 कैटेगरीज ऐसी हैं इयररिंग की जो कि आपके पास होनी ही चाहिए। और मतलब अगर वो कैटेगरीज आपके पास हैं तो फिर आपको अदर किसी टाइप ऑफ इयररिंग्स में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, नीड नहीं है। और मैं जो इंक्लूड कर रही हूँ वो वेस्टर्न और इंडियन दोनों है। तो मेरे साथ जुड़े रहिए अगर आपको पता करना है कि यार कैसी कैसी डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं जो कि आपके पास होने वाली है, क्योंकि बहुतों को तो ये भी पता करने लगने वाला है कि अच्छा ये भी कैटेगरी होती है। मतलब वो बहुत लड़के ही होने वाले हैं, बिकॉज लड़कियों को तो बहुत कुछ पता होता है, उनको पता है कितने टाइप की कितनी चीज़ें लड़कियों के लिए आती हैं। बट लड़कों, अगर तुम अपनी गर्लफ्रेंड, अपनी फ्रेंड, अपनी बहन को कुछ देना चाहते हो तो ये वीडियो ज़रूर देखो और पता करो कि अच्छा ऐसा भी कुछ होता है। तो ठीक है, बिना किसी डिले के मैं स्टार्ट करती हूँ। सो आई एम गोइंग टू डिवाइड इयररिंग्स इनटू 6 कैटेगरीज। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट कैटेगरी इज झुमका कैटेगरी। झुमका कैटेगरी मैं अब आपको बताती हूँ कि हमें इस कैटेगरी में कैसे कैसे इयररिंग्स को रखना है। तो जैसे झुमका कैटेगरी में मैंने एक वाइट इयररिंग रखा है, ये बहुत सारों के साथ पेयर हो जाता है एक्चुअली। मतलब अगर आपने ब्लैक पहना है ब्लैक के साथ, अगर आपने कोई स्पेसिफिक कलर पहना है जैसे रेड, पिंक, ग्रीन, जैसे फॉर एन एग्जांपल मैंने भी ग्रीन पहना है, अब मैं अगर इसको इसके साथ पेयर करती ना तो ये भी चला जाता। इसलिए हमेशा ट्राई करो कि ऐसा वाइट या प्योर गोल्डन ऐसा टाइप का झुमका आपके पास हो। और ये एक्चुअली अगर आपका फेस बहुत ज्यादा बड़ा है, ओके, लाइक मेरे जैसे है, मतलब काफी राउंड फेस है, नॉट बड़ा, राउंड फेस है, तो आप ट्राई करो कि थोड़ा बड़े साइज के झुमके लो। क्योंकि क्या है यार, यही तो हमारी प्रिविलेज है कि अगर हमारा फेस बड़ा है ना तो बड़े बड़े इयररिंग्स बहुत आसानी से पहन सकते हैं। जैसे कि आप अभी देख रहे हो ये इयररिंग बहुत ज्यादा बड़ा है, बट स्टिल इट इज नॉट लुकिंग दैट बिग ऑन माय फेस। आपको एक ऐसा इंसान जिसका फेस बहुत ही छोटू सा है और वो इतना बड़ा इयररिंग पहनेगा तो फेस नहीं सिर्फ इयररिंग ही दिखने वाला है। तो हमें अपने फेस के अकॉर्डिंग भी चीजें चूज करनी आनी चाहिए। तो हमेशा ट्राई करो कि आप अपने फेस के अकॉर्डिंग इयररिंग चूज करो। सो फॉर एन एग्जाम्पल अगर आपका फेस छोटा है तो आप ट्राई करो ऐसे छोटू वाले झुमके लेने के। इससे भी छोटे आते हैं बट आई एम नॉट इंक्लूडिंग दैट, मतलब इतना तो होना ही चाहिए यार, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा लुक भी तो इनहांस हो जब हम ये इयररिंग्स पहने। तो इतना साइज तो एटलीस्ट होना चाहिए झुमके का, और मैक्स टू मैक्स मतलब इससे भी बड़े आप ले सकते हो, बट स्टिल आई प्रिफर ये, क्योंकि मतलब यार ये साड़ी के साथ भी जाएंगे, सूट के साथ भी जाएंगे, कुर्तीज के साथ भी जाएंगे। अगर आप बहुत बड़े बड़े ले लोगे तो फिर वो स्पेसिफिकली बहुत एथनिक हो जाता है। तो मतलब मैं जो बता रही हूँ ये दोनों के साथ जाने वाली चीजें हैं, ठीक है, तो आप ये ले सकते हो डेफिनेटली। और कलर्स के लिए मैं जरूर बोलूंगी कि जैसे ये मल्टी कलर्स के भी यू नो झुमकों में इन्वेस्ट करना, बट नॉट दैट मच। मतलब जैसे देखो मैंने ना ये ऐसा झुमका एक लिया था, क्योंकि इसमें पॉम पॉम है तो इसमें मल्टी कलर्स हैं और इसमें यहाँ पे मल्टी कलर के थ्रेड्स हैं, तो यार ये ना ये सबके साथ जाता है। मतलब मुझे ज्यादा सोचना नहीं पड़ता कि ओके यार अब ये कलर है तो क्या पहनूं। तो मैं हमेशा आपको एक सजेशन दूंगी कि ट्राई करना कि झुमके जब परचेज करो तो थोड़े ऐसे परचेज करो कि वो मिक्स एंड मैच करके इधर उधर करके आप पहन सको। तो दैट वॉज द फर्स्ट कैटेगरी। टूवर्ड्स द सेकेंड कैटेगरी, सेकेंड कैटेगरी इज लूप्स। लूप्स की बात करती हूँ तो लूप्स के पास मेरे पास तो इतने ऑप्शन है ना लूप्स के, यू कैन सी दिस मच ऑफ, मतलब मैं आपको बता भी नहीं सकती कि कितना है। इसके अलावा कुछ और थे जो मैंने इंक्लूड नहीं किए हैं, तो मैं आपको बता दूं जल्दी से कि लूप्स में कैसे इन्वेस्ट करना है। पहला चीज तो आपके पास ऐसे प्लेन लूप्स होने चाहिए, ठीक है, ऐसे सिंपल प्लेन लूप्स। ये आप कभी भी कहीं भी कुछ भी डाल सकते हो। ऐसा होता है ना कुछ चीजें कि यार जब कुछ समझ में नहीं आ रहा तो क्या करना चाहिए, तो ये पहनना चाहिए। लूप्स सबके साथ जाते हैं, इंडियन वेस्टर्न किसी के साथ भी आप आराम से पहन सकते हो। देन मेरे पास एक ऐसे ऐसे बेबी वाले हैं, अगर चाहिए तो ओके, एल्स जरूरी नहीं है,
इट्स जस्ट बिकॉज कि मैं लूप्स दिखा रही थी इसलिए मैंने दिखाया। थर्ड चीज जो लूप्स का पैटर्न आता है जो आपको इन्वेस्ट करना ही करना चाहिए इज दिस काइंड ऑफ लूप्स। ओके, जैसे कुछ मोती की डिजाइन हो या फिर कुछ ऐसे शंख वाली शेल वाली डिजाइन हो, बीच बीच पे जा रहे हो तो आप इसको पहन सकते हो। ऑन द सेम हैंड अगर आप कुछ और सॉलिड कलर्स पहन रहे हो तो उसके साथ इसको पहन सकते हो। एल्स ये तो होना ही चाहिए, मतलब एक पर्ल वाला लूप आपके पास होना ही चाहिए। ये बहुत के साथ जाता है और बहुत काम की चीज है, आई एम सीरियसली टेलिंग यू। अगर नहीं है तो आज ही एटलीस्ट पर्ल वाले लूप में तो इन्वेस्ट कर लो। शेल वाला इफ यू वांट खरीद सकते हो, एल्स ये हो गया तो काम बन जाएगा। ओके, सो दिस इज द सेकेंड कैटेगरी। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द थर्ड कैटेगरी इज फेदर और थ्रेड्स। सो इसमें मैं बताना चाहूंगी फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे थ्रेड्स की बात करूं तो थ्रेड्स मीन्स दिस काइंड ऑफ इयररिंग्स। ये थोड़े कलर स्पेसिफिक हो जाते हैं तो मैं इसमें बोलूंगी ना इसे छोटू वालों में इन्वेस्ट कर लो क्योंकि इनका प्राइस बहुत ज्यादा नहीं होता। मैं मेंशन करूंगी मैंने ये कहां से परचेज किया है। एक इंस्टाग्राम स्टोर है ड्रीम फैशन, वहां से मैंने परचेज किया है एंड शी मेक्स दीज काइंड ऑफ इयररिंग्स। तो बहुत ज्यादा यू नो अच्छा लगा मुझे उसका पेज इसलिए मैंने उसको ये लिया था। एंड आई हैव मेड अ कोलैबोरेशन विद हर ऑल्सो, बट दीज इयररिंग्स आर वेरी ब्यूटीफुल। इसमें क्या है ना मल्टी अलग अलग कलर्स के ले लो। ओके, तो क्या है कि आपको कभी भी ऐसे लाइट से इयररिंग पहनना है बट स्टिल आप चाहते हो कि मैचिंग पहनो तो आप ये ले सकते हो। एल्स आप इस टाइप के इयररिंग्स पे भी इन्वेस्ट कर सकते हो। फॉर एन एग्जाम्पल देखो ऐसा स्पेसिफिक कलर, तो जैसे आपने कोई भी मल्टी कलर का या होता है ना बहुत प्रिंटेड सूट पहना है तो यू वॉन्ट इयररिंग्स वेरी सटल और सॉलिड, तो आप इस टाइप के इयररिंग्स को चूज कर सकते हो एंड दे आर वेरी लाइट वेट। सबसे अच्छी बात यह है थ्रेड है तो लाइट वेट होते हैं और बहुत बहुत रिलैक्सिंग होता है, मतलब आपको बड़े बड़े नहीं पहनने हैं। तो उसके अलावा जो सेकेंड मैं चीज बोल रही थी दैट वॉज फेदर, तो फेदर वाले स्पेसिफिकली जो होते हैं ना वो आपके बीच के बीच क्लोदिंग्स और मतलब आपको स्पेसिफिकली अगर बीच पे जाना हो या वैसे कुछ हो तो आप ऐसे टाइप के कुछ इयररिंग्स जरूर से परचेज करके अपने पास रखो। मतलब अगर आपने ना ऐसे जस्ट कैमी टॉप और शॉर्ट्स पहने हैं आप ये पहनोगे ना इतना सही सा लुक आएगा, मजा आ जाएगा। मतलब तो ये भी जरूर से खरीद के रखना, ऐसे भी ले सकते हो सिंपल से या फिर ऐसे मल्टीपल मल्टी कलर फेदर्स भी ले सकते हो। तो दैट वाज द थर्ड कैटेगरी। नाउ मूविंग टुवर्ड्स फोर्थ कैटेगरी इज ऑक्सीडाइज्ड मेटल इयररिंग्स। सो दिस इज नॉट ऑक्सीडाइज्ड, एक्चुअली थोड़े से भारी हैं ये स्टिल। आई एम टॉकिंग अबाउट दीज काइंड ऑफ इयररिंग्स, ये बहुत बड़े होते हैं साइज में बट स्टिल इतने लाइट वेट होते हैं कि आपको पता ही नहीं लगता आपने कुछ पहना है। तो ये तो भाई होना ही होना चाहिए क्योंकि ये दीज आर टिपिकल एथनिक इयररिंग्स। हाँ आप इसको जीन्स के कुर्ती के साथ टॉप्स के साथ भी पेयर अप कर सकते हो इफ यू वांट अ डिफरेंट काइंड ऑफ वाइब, मतलब थोड़ा सा इंडो वेस्टर्न टच और वैसा कुछ करके आपको पहनना है तो डेफिनेटली इनको आप मिक्स एंड मैच कर सकते हो। बट दीज काइंड ऑफ इयररिंग्स आर वेरी ब्यूटीफुल और मैं आपको पेजेस पे बता दूंगी इंस्टाग्राम पे जहां से मैंने कुछ कुछ चीजें परचेज की हैं, आई लेट यू नो। तो ये जरूर होना चाहिए और ये इतने लाइट वेट है, सीरियसली आई कैन नॉट टेल यू कितना लाइट वेट है। तो मतलब बड़ा बड़ा इयररिंग्स का लुक भी आ जाएगा और बहुत लाइट वेट भी हो जाएगा ऑन द एंड। सो दैट वॉज द फोर्थ कैटेगरी। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द फिफ्थ कैटेगरी इज लॉन्ग इयररिंग्स। ओके, स्ट्रेट लॉन्ग इयररिंग्स। इयररिंग्स दैट आई एम गोइंग टू इंक्लूड आर दीज काइंड ऑफ, दीज आर लॉन्ग लॉन्ग इयररिंग्स एंड ये बहुत ज्यादा मतलब ऐसा होता है कि कभी कभी आपने कुछ ऐसे क्लोदिंग्स पहने हैं जो अपने आप में ना बहुत ज्यादा है, ठीक है, होता है ना जैसे बहुत ग्लिटर क्लोदिंग या वैसे बहुत अच्छा सा ड्रेस है और यू डोंट वॉन्ट कि आपका ड्रेस से जो है ना इंटरेस्ट लोगों का आपकी ड्रेस से ज्यादा आपके इयररिंग्स पे आए। सो यू जस्ट वॉन्ट अ सिंपल लॉन्ग इयररिंग्स और आप गले में भी कुछ ज्यादा नहीं पहनना चाहते हो या आपने हाई नेक पहना हुआ है तो फिर कैसे इयररिंग्स को मैच करो। तो उस केस में ना ऐसे लॉन्ग इयररिंग्स को अपन जरूर पेयर कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि बहुत ज्यादा उठ के नहीं आते इयररिंग्स और आपने जो ड्रेस पहनी है उस पर चाहते तो उस पर लुक रहेगा बट ऑन द सेम हैंड दे लुक फैब। देखो आप देख सकते हो ऐसे सॉलिड एक कलर के भी ले सकते हो आप, एल्स आप ऐसा भी कर सकते हो कि मल्टी कलर या गोल्डन या सिल्वर, जैसे ये जैसे ये सिल्वर है ऐसे भी ले सकते हो तो दिस विल हेल्प यू अ लॉट सीरियसली।
और ये वेस्टर्न पे भी जाते हैं और इंडियन पे भी जाते हैं. सो दैट वॉज अ फिफ्थ कैटेगरी. नाउ मूविंग टूवर्ड्स द सिक्स्थ कैटेगरी एंड दैट इज स्पेसिफिकली नॉट फॉर एथनिक जस्ट फॉर लाइक वेस्टर्न. आई एम गोइंग टू इंक्लूड दीज काइंड ऑफ इयररिंग्स, फंकी वंस. ओके, सो फंकी वंस का कलेक्शन तो मेरे पास इतना जोरदार वाला है ना कि आपको मजा आ जाएगा देख के. ठीक है, जैसे जैसे ये एग्जाम्पल है दिस वन और ये दिस इज लव वन. तो मतलब यार ये तो वो वाली बात होगी ना कि कुछ मस्त सा पहना है और अब चलो कुछ मस्त से ऐसे ना मतलब कुछ वैसे इयररिंग्स पहनने हैं मुझे जो कि इनको देखे तो जरूर से बोले कि अच्छा ये पहना हुआ है. मतलब स्पेसिफिकली इयररिंग्स पे ध्यान जाए. जैसे ये है, सो दिस इज अ फ्राइज बिफोर गाइस. तो ये बड़ा कूल सा इयररिंग है और ये बहुत मस्त लगता है. मतलब अगर आपने ऐसे कुछ व्हाइट सी टी शर्ट पहनी हुई है, सिंपल यू हैविंग अ कोजी लुक, मतलब एकदम जस्ट जीन्स टी शर्ट, सो यू कैन पेयर इट अप विद दिस और मजा आ जाएगा. ठीक है, तो ऐसे टाइप के फंकी इयररिंग्स होने ही चाहिए. आपके अलावा जैसे ये है लेमन, मतलब जैसे समर में आपको कुछ समर सी वाइब चाहिए तो आप इस टाइप के इयररिंग्स को पेयर करके ना बहुत क्यूट लग सकते हो सीरियसली. सो यहाँ खत्म होते हैं मेरे इयररिंग्स की 6 कैटेगरी एंड आई होप आपको मेरा वीडियो पक्के से पसंद आया होगा. अगर पसंद आया है तो मेरे चैनल स्टे परफेक्टली इम्परफेक्ट को जरूर सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर देना ताकि आप ऐसे वीडियोस मिस ना करो. एंड यस मैं कल फिर आऊंगी अपने एक और नए वीडियो के साथ जिसमें मैं एक नई कैटेगरी लेके आऊंगी, एक नया पार्ट लेके आऊंगी जिसकी मैं 6 चीजों के बारे में, 6 डिफरेंट कैटेगरीज के बारे में बताने वाली हूँ आपको. सो टिल देन बाय बाय, वी विल मीट टुमारो. एंड एट लास्ट बट नॉट लीस्ट, बिलीव इन द फिलोसफी ऑफ लविंग योर सेल्फ.